हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छी आईब्रो मेकअप हैक। इसके लिए आपको ज़रूरत है क्यूटिप की। क्यूटिप की मदद से आप कैसे आपके आईब्रो को बहुत ही अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है एक आईब्रो पेंसिल की। ज़्यादातर गर्ल्स आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करते हैं आईब्रो मेकअप के लिए। आपके पास जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कलर बार का आईब्रो मेकअप पेंसिल। एंड इसके बाद आपको ज़रूरत है एक आईब्रो ब्रश की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास आईब्रो ब्रश नहीं है तो आप मस्कारा की जो वॉन्ड है उसे भी क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी आईब्रो की जो नेचुरल लाइन है उसे ड्रॉ करना होगा। जैसे हम आईब्रो पेंसिल अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, उसी तरह से आपको इसे लाइन को ड्रॉ करना होगा। अगर आपके पास कोई एंगुलर ब्रश है कुछ इस तरीके का, तो आप उसे भी इस तरीके से प्रोडक्ट को लेकर आपकी आईब्रो की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आपको अंदर फिलअप कर लेना होगा कुछ इस तरीके से। अंदर फिलअप करने के बाद आपको आईब्रो की जो ब्रश होती है उसे प्रोडक्ट को अच्छी तरह से ब्लेंड करना होगा। ज़्यादातर गर्ल्स ये नहीं करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट बाहर फैल जाते हैं। तो हमारी हैक यही है कैसे हम हमारी जो प्रोडक्ट फैल जाती है उसे ठीक कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ब्राउ की लाइन है उसे एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। अभी आपको लेना है एक क्यूटिप एंड आपको चाहिए मिसेलर वाटर। मिसेलर वाटर से क्यूटिप को वेट कर लेना होगा एंड एक्सेस जो वाटर रहेगी उसे आपको क्लॉथ से इस तरीके से निकाल लेना होगा। अभी आपकी जो आईब्रो लाइन है, नेचुरल आईब्रो लाइन है, वहाँ से कुछ इस तरीके से, मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट फैल चुकी है वहाँ से आपको क्यूटिप को किस तरह से ड्रैग करना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारी जो नेचुरल लाइन है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, शेप में आ गई है एंड जो भी प्रोडक्ट फैल गई थी वो रिमूव हो गई है, जस्ट फॉर हमने क्यूटिप यूज़ किया है मिसेलर वाटर में डिप करके। तो इसी तरीके से आपको पूरी आपकी जो पूरी ब्राउ है उसे आपको शेप दे देना होगा। जहाँ पर भी प्रोडक्ट फैल गई है उसे आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, पूरी ब्राउ को बहुत अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो मेकअप ना भी कर सकते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप मेकअप कर रहे हो तो इसके बाद ब्राउ लाइन से इस तरह कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद उसे ब्लेंड कर लेना होगा अच्छी तरह से एंड ब्लेंड करने के बाद उसे पाउडर से सेट करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा, आपकी आईब्रो और भी परफेक्टली शेप्ड एंड प्रोमिनेंट दिखेगी। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो कि कैसे आप क्यूटिप यूज़ करके आपके आईब्रो को बहुत ही अच्छी तरह से शेप दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय।